नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अयोध्या में अभी भूमि पूजन के दौरान इतिहास की बहुत बात हुई। सदियों से चलती आ रही तथा कथित हिंदुओं के आंदोलन या संघर्ष की बात हुई, राम जन्मभूमि आंदोलन की भी बात हुई, आजादी की लड़ाई का जिक्र हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राम मंदिर एजिटेशंस में सिमिलैरिटीज ड्रॉ करके बताई गई। कहा गया गांधी जी के इंक्लूसिव अप्रोच को संघ परिवार ने मंदिर आंदोलन में अपनाया था। कितना सही था इतिहास का यह विवरण, किस हद तक रिकंस्ट्रक्टेड या फिर पॉपुलरली हेल्ड बिलीफ के बेसिस पर यह बातें सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और परफॉर्मर थे। कार्यक्रम में दोहराया गया कि 500 साल बाद हिंदुओं को राम मंदिर का निर्माण करने का मौका मिल रहा है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई है। सजेशन था कि राम मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया और फिर अगली पीढ़ी के लोग उसे बनाते रहे, तो क्या यह नैरेटिव सही है? शायद नहीं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनने के बाद मंदिर कभी बनाई ही नहीं गई। हां, दिसंबर 1949 में जरूर मस्जिद के अंदर मूर्तियों को सरप्टिशियसली इंस्टॉल कर दी गई थी। मोदी जी ने टूटना और फिर उठ खड़ा होना ये बात को क्लियरली कहा और इससे इंप्लाई किया कि इन्वेडिंग आर्मीज ने बार बार राम मंदिर को डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर डिटेल्ड स्टडी, इन्वेस्टिगेशंस और हियरिंग्स के बाद क्या कहा था इस मुद्दे पर? क्या उन 5 जजेस के जजमेंट को हम करेक्ट हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन मानेंगे या किसी पार्टिजन पॉलिटिकल लीडर के बातों का यकीन करेंगे? कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, कहा कि दैट देयर वेन रिमेन्स ऑफ एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ हिंदू रिलीजियस ओरिजिन सिंबॉलिक ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ 12th सेंचुरी। परंतु ये भी कहा, दिस मस्ट बी रेड कॉन्टेक्चुअली एंड विद केवियट्स। क्या थे ये केवियट्स? रिपोर्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। मतलब कोई कारण नहीं बताया गया कोर्ट द्वारा मंदिर वहां क्यों नहीं थी जब मस्जिद को बनाया गया था। क्या इसे डिमोलिश की गई थी या वक्त के साथ ये खुद ब खुद ढह गया था? सेकेंडली, कोर्ट ने बताया, देयर इज नो क्लैरिटी इफ द अर्लियर स्ट्रक्चर वाज डिमोलिश फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। आगे और कहा, सिंस द एएसआई रिपोर्ट्स डेट्स द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर टू द 12th सेंचुरी, देयर इज अ टाइम गैप of 4 centuries from that day and the date of the construction of the mosque. Yani ki mandir jab banayi gayi thi uska jo evidence hai 12th century aur 16th century ke beech mein ye 400 saal mein kya hua iska koi jankari supreme court ko nahi mila. Masjid in place of mandir, yani ki mandir todkar masjid banaye jane ki jo theory thi, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत बातें भी लिखी।
अपने जजमेंट में। आप चाहें तो इंटरनेट में इसको इजीली एक्सेस करके पेज नंबर 905 के बाद से पढ़ सकते हैं। क्लियरली 16th और 19th सेंचुरी के बीच के पीरियड में हिंदुओं ने मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। द डिमांड टू बिल्ड अ राम टेम्पल इन प्लेस ऑफ द बाबरी मस्जिद वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन द 1850s आफ्टर द ब्रिटिश क्रॉनिकलर्स had put it in writing based on popular belief that a temple was demolished to build a mosque by Emperor Babur. उसके 90 साल के बाद 1949 में अयोध्या में लोकल लेवल पे फिर से आवाज उठने लगी कि राम जन्मभूमि हिंदुओं को मिल जानी चाहिए। It concluded जब गवर्नमेंट कनाइवेंस के साथ मूर्ति को बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी गई और उसकी पूजा अर्चना रोज शुरू हो गई। संघ परिवार ने 1979 में विश्व हिंदू परिषद को रिवाइव किया। मीनाक्षीपुरम के कन्वर्जन्स ने वीएचपी के नेताओं को मौका दिया हिंदू एंजाइटी को हार्नेस और लीवरेज करने का। उसके बाद 1983 में एकात्मता यज्ञ और एकात्मता यात्राएं निकाली गई देश भर में। देश भर की नदियों से जिनको हिंदू पवित्र मानते हैं वहां से पानी लेकर ट्रकों में बड़े बड़े कलश में रखकर भारत माता के तस्वीर के सामने लेके इनकी सैर की गई, इनकी यात्राएं निकाली गई। ये पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत माता को पॉलिटिकल एरिना में उतारा गया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। तीन प्रमुख यात्राएं निकाली गई थी, 90 फीडर यात्राएं थी। जो तीन प्रमुख यात्राएं थी, पहली काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर रामेश्वरम तक, दूसरा पूर्व में गंगा सागर से लेकर पश्चिम में सोमनाथ मंदिर तक, और तीसरा हरिद्वार से लेकर रामेश्वरम तक। तीनों यात्राएं नागपुर में कन्वर्ज किए थे और फिर अपने अपने आगे रूट में चले गए थे। नागपुर हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर भी है। वीएचपी ने क्लेम किया था कि टोटल 85,000 किलोमीटर ये सारी यात्राओं ने कवर किया था और करीब 6 करोड़ लोगों ने ऑफिशियली इन यात्राओं में अपना नाम लिखवा के या फिर 10 रुपए वाली पानी की बोतल खरीद कर अपने आप को रजिस्टर कराया था। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यात्रा को आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ रेवरेंस देखने के लिए आके खड़े हो गए, क्योंकि ये यात्राएं जो हैं बिलीव्ड होली वाटर्स या पवित्र पानी लेकर चल रहे थे। मूवमेंट सर्टनली बहुत सक्सेसफुल था। पहली बार ऐसा लगा कि पैन इंडिया लेवल पर एक कटिंग अक्रॉस कास्ट आइडेंटिटी, एक तरह से हिंदू यूनिटी बनती हुई दिख रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को लगा ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या कर सकते हैं। बहुत चर्चा के बाद मार्च 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। धार्मिक नेताओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया गया और धर्म संसद नाम की एक बॉडी एस्टैब्लिश कर दी गई। वैसे इसकी लीडरशिप जो है वीएचपी ने अपने हाथ में ही रखी। इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया राम जन्मभूमि को रेस्टोर करने के लिए। ये पहली बार ऐसा एक स्टेप लिया गया था। आंदोलन लो गियर में कई महीनों तक चलता रहा। फाइनली जाके सितंबर 1984 में बिहार के सीतामढ़ी जिले से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई। अयोध्या, लखनऊ, बिहार और यूपी के अलग अलग शहरों से गुजरते हुए जहां आम सभाएं हुई, यात्रा जो है 30 अक्टूबर को गाजियाबाद में नाइट हॉल्ट के लिए पहुंची।
प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह सुबह गाजियाबाद से चलकर दिल्ली के बोट क्लब तक जुलूस निकालना था और फिर एक पब्लिक रैली करनी थी। उसके बाद वीएचपी को एक डेलीगेशन इंदिरा गांधी को मिलने जाना था अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, परंतु उस दिन सुबह सुबह इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी के एसासिनेशन के बाद एंटी सिख वायलेंस ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था, लेकिन उसी के साथ साथ एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हुई थी जिसको कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से हार्नेस और यूटिलाइज किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी कहा जाता है कि काफी हद तक उनका काडर जो है कांग्रेस की तरफ उस चुनाव में टिल्ट कर गया था। इसी वजह से कांग्रेस ने अनप्रेसिडेंटेड, अभी तक किसी पार्टी ने उसको सरपास नहीं किया, 400 से ज्यादा लोकसभा के सीटें जीती। एक साल में कई और ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुए। वीएचपी ने फाइनली जाके बाय द एंड ऑफ 1985 धीरे धीरे करके राम जन्मभूमि के आंदोलन को फिर से रिवाइव करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया। पहली कामयाबी मिली 1 फरवरी 1986 को, जब एक फैजाबाद के कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया जाए और वहां पे हिंदू श्रद्धालुओं को रामलला की मूर्ति को जाके उनका दर्शन करने के लिए उनको अलाउ किया जाए। 1986 के बाद से, बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद से, वीएचपी का एजिटेशन एक तरफ तो चलता रहा और उसी के साथ साथ इस मुद्दे पर काफी कम्युनल राइट्स देश भर में भड़के। मुस्लिम्स को मस्जिद की मांग थी कि हमारे कम्युनिटी को मस्जिद लौटाई जाए। विश्व हिंदू परिषद मांग कर रही थी कि ये मस्जिद को हटाकर हमको मंदिर बनाने का अवसर मिलना चाहिए। कहा जाता था, उस समय उनका नारा था, इस कलंक को मिटाना है। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के बाकी गुटों का मेन कैंपेन पॉइंट था कि मिडिवल इंडिया की स्लेवरी को मिटाना है। शुरुआत में राम मंदिर के डिमांड को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इनोवेटिव कैंपेन्स, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज और इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने की वजह से धीरे धीरे बहुत ही प्लान्ड तरीके से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के बाकी संगठनों का सपोर्ट बढ़ता गया और राम जन्मभूमि धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन मूवमेंट के सपोर्ट में जो क्वांटम जंप का पीरियड था वो 1988 और 1989 के बीच का पीरियड था। एक तरफ तो राजीव गांधी की सरकार करप्शन चार्जेस की वजह से डिस्क्रेडिट हो रही थी और उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी, वहीं दूसरे तरफ संघ परिवार ने अलग अलग लेवल्स पर एक्टिविटीज शुरू कर दिए। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म शताब्दी अप्रैल 1989 में ड्यू था। संगठन के नेताओं ने इस ओकेजन में ये तय किया कि उनको केंद्र में रखकर 1988 से लेके 89 के बीच में एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन चलाएंगे जिससे वो हिंदू आइडेंटिटी को रीइन्फोर्स कर सकेंगे। एक कैंपेन चलाया जिसका सेंट्रल स्लोगन था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मतलब हिंदू अपने आप को गर्वान्वित नहीं महसूस करता है, because he is a Hindu. 1 फरवरी 1989 को इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान धर्म संसद कन्वीन किया गया। इसमें दो मेजर फैसले लिए गए। पहला कि 9 नवंबर 1989 को, जब लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल अपने चरम पर होगी, उस समय अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। ये एक रिलीजियो पॉलिटिकल इवेंट था, इसको पहली बार इस
लेवल का प्रोग्राम कंसीव किया गया था और पूरे देश भर में इसके लिए मोबिलाइजेशन ड्राइव होना था। शिलान्यास में लोगों को मोबिलाइज करने के लिए ताकि वो अयोध्या जाएं, हालांकि कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये दिन जो है एक मेजर फेस्टिवल देव उठान एकादशी का है और उसमें ऐसे भी अयोध्या में बहुत श्रद्धालु आते हैं। लेकिन उसके लिए शिलान्यास के लिए तब भी एक और कार्यक्रम का प्लानिंग की गई। दूसरा था रामशिला पूजन और रामशिला यात्राएं। इनमें श्री राम लिखे हुए ईंटें बनवाई गई देश भर में। अलग अलग गांव और शहरों में इनको पहले बांटा गया और फिर वहां पे पूजा की गई, जिसको रामशिला पूजन इस रिचुअल का नाम दिया गया। उसके बाद इन ईंटों को यात्राओं में निकाला गया गांव से शहरों से और इनको कलेक्टिंग पॉइंट में रखा गया और वहां से ये ट्रक्स में धीरे धीरे करके अयोध्या लाए गए। इस पीरियड में हिंदुस्तान भर में बहुत कम्युनल रायट्स हुए क्योंकि यात्राएं जो हैं, यात्रा करने वाले जो हैं विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट, ये डिमांड करते थे कि ये मुस्लिम लोकैलिटीज में से गुजर के निकालें। या तो प्रोवोकेशन इस साइड से होता था या उस साइड से, और अल्टीमेटली रायट में इनोसेंट लोग मारे जाते थे। अनुमान है कि देश भर में लगभग 3 लाख जगहों पर रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था। An estimated 11 crore people participated in these. जैसे एकात्मता यज्ञ में हुआ था, शिला यात्राओं को भी दूर से देखने वाले अनगिनत थे। इस कार्यक्रम के वजह से राम जन्मभूमि आंदोलन ने एक मास मूवमेंट का कैरेक्टर पहली बार इस प्रोसेस में लिया। This happened simply by giving people a sense of participation, a sense that they were participating in something immense and historically significant. इनको इस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन पाने के लिए अपने शहर या अपने गांव से या अपने घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, अपने आप को किसी भी तरह के खतरे या जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। शिलान्यास के लिए जो स्पॉट वीएचपी ने सिलेक्ट किया वो विवादित था, परंतु राजीव गांधी सरकार ने फैसिलिटेट करके इसको डिक्लेयर करवा दिया कोर्ट द्वारा कि ये अनडिस्प्यूटेड जगह है और शिलान्यास वहां 9 नवंबर 1989 को बहुत ही धूमधाम के साथ परफॉर्म किया गया। शिलान्यास जिस स्पॉट पे किया गया था वो दरअसल एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड था जहां पे उनको दफनाया गया था जो लोग 1850s के क्लैशेस में मारे गए थे। शिलान्यास के समय इन ह्यूमन बोन्स को निकाला गया था और उसे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तांडव किया था। आप अगर इंटरनेट में ये तस्वीरें ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। फरवरी में शिलान्यास के अनाउंसमेंट और नवंबर में शिलान्यास का परफॉर्मेंस, उसके बीच में एक बहुत अहम फैसला जून 1989 में हुआ था। उस समय बीजेपी ने अपने पालमपुर सेशन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव में पहली बार अयोध्या आंदोलन या राम मंदिर के मुद्दे को अपने पॉलिटिकल डिमांड लिस्ट में इंक्लूड किया था। इस मल्टीप्रोंग अप्रोच की वजह से एक हिंदू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी हो गई थी। बीजेपी का जनता दल और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस की वजह से नवंबर दिसंबर 1989 के इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ड्रामेटिक था। बीजेपी ने 85 या फिर 85 सीट्स जीते। पिछले लोकसभा में उनके पास मात्र 2 सीटें थी। उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी 1984 में हार गए थे।
वे ग्वालियर से हारे थे, माधवराव सिंधिया से हारे थे, जिनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कई सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद अब जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। दुनिया के इतिहास में सुप्रीमेसिस्ट और मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में आस्था रखने वाले पार्टीज का एमर्जेंस या फिर ग्रोथ सिंगल इशू के वजह से प्राइमरीली होता है। किसी दूसरे या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग के वजह से एनमिटी या भय किसी दूसरे के प्रति फैलाने से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती है। बीजेपी की कामयाबी है किस तरह से शिलान्यास के बाद हमें पता है कि पॉलिटिक्स में कई सारे फेरबदल आते रहे लेकिन वो अपने हिंदू नेशनलिस्टिक एजेंडा में अडिग रहे। मंदिर का मुद्दा एक तरह से कई सालों तक खत्म हो गया था लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से वाइडन कर लिया। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से पूरे रिलीजियो कल्चरल नेशनलिस्टिक मूवमेंट का हिस्ट्री लिखेंगे तो हम कहेंगे कि 1989 में शिलान्यास के पहले का जो प्रिपेरेटरी पीरियड था 1980 से लेके विश्व हिंदू परिषद के रिवाइवल से लेके एक बहुत ही अहम बिलो द रेडार मूवमेंट और पीरियड था। उस 10 सालों में उन्होंने जो तैयारी की उसी की वजह से आज इतने डोमिनेटिंग पोजीशन में वो लोग मौजूद हैं। बीजेपी की कामयाबी है किस तरह से शिलान्यास के बाद दूसरे पार्टियों को कम्युनिस्ट को छोड़कर एक एक करके मंदिर के डिविसिव मुद्दे को सपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया। राम को मानने वाले और रामायण को अहम ग्रंथ या एपिक के तौर पर वैल्यू करने वालों की कमी नहीं है इस देश में। अलामा इकबाल ने भी राम जी को इमामे हिंद कहा था। परंतु आज बीजेपी और संघ परिवार की मांग है हम उनके पर्सपेक्टिव से राम जी को देखें, उनकी सक्सेस हमारे पॉलिटी की वीकनेस को दर्शाता है, उसका प्रतीक है। नमस्कार। Thank you.